सो वो सब गाइज बहुत बहुत स्वागत आपका फिर से हमारे चैनल बेटर यू फिटनेस पर। सो गाइज जैसे कि आप जानते हैं 21 दिनों के लिए लॉकडाउन हो चुका है इंडिया के बहुत सारे स्टेट में, जिसमें से एक कोलकाता भी है। यहाँ गाइज मैं कोलकाता में रहता हूँ, वेस्ट बंगाल पूरा लॉक है। सो गाइज तो जैसे कि आपने थंबनेल देखा, सो गाइज आज हम बात करने वाले कि आप इस लॉकडाउन में अपने फिटनेस को कैसे मेंटेन रख सकते हो। एक बात मैं आपको बता देना चाहता हूँ गाइज, अगर आप बल्किंग फेस में हो अपने तो आप वो भूल जाओ कि आपको इस 21 दिन अब जब तक ये COVID का अनाउंसमेंट नहीं हो जाता है गवर्नमेंट की तरफ से कि अब ये सेफ है, आप बाहर अंदर आने जाना रेगुलर बेसिस में जैसे पहले करते थे आप कर सकते हो, तब तक आप ये भूल लो कि जो भी आप कर रहे हो, मतलब जैसे कि आप बल्किंग कर रहे हो तो आप ये भूल लो कि अब मुझे आगे बल्किंग करना है। अगर ये आप कटिंग फेस में तो आप भूल जाओ मुझे कटिंग करना है, क्योंकि गाइस बल्किंग में फूड बहुत ज़्यादा लगता है, हमें ज़्यादा से ज़्यादा खाना पड़ता है, हमें कैलोरी सरप्लस में रहना पड़ता है। तो वो तो अभी होने से, क्योंकि ये COVID-19 की वजह से लॉकडाउन जो हुआ है गाइस, इसमें हमारे पास राशन के बहुत ज़्यादा कमी हो चुकी है, ग्रोसरी शॉप सब बंद है, जनरल स्टोर सब बंद है, ऑनलाइन शॉपिंग में भी सब कुछ जल्दी ख़त्म हो जा रहा है, अनअवेलेबल है। तो गाइस ये हमारे लिए बहुत मुश्किल हो सकता है इस दौरान, ये कुछ दिनों में, कि हम अगर बल्किंग कर रहे तो हम बल्किंग पे बने रहें या कटिंग कर रहे तो कटिंग पे बने रहें। गाइस मैं जानता हूँ कटिंग के लिए भी बहुत सारे फूड ऐसे होते हैं जो हमें कंज्यूम करना पड़ता है कटिंग फेज में, क्योंकि हम ज़्यादा खाते नहीं, हमें कम ही खाना पड़ता है, पर ऐसे चीज़ खाना पड़ता है जिसमें कैलोरी कम हो, तो वो भी अभी मिलना बहुत मुश्किल है गाइस। फिश मार्केट, जितने मार्केट है, लोकल मार्केट, बाजार सब बंद है, सब लॉकडाउन, मतलब ये 21 दिन तो पूरा लॉकडाउन रहेगा। और भी बात आया है कि आगे और भी लॉकडाउन हो सकता है अगर ये इस वायरस में कमती नहीं आए। तो गाइस मैं आपको बता देना चाहता हूँ, आपके पास घर में जो अवेलेबल है आप उससे ही अपना बॉडी को मेंटेन कैसे रख सकते हो, ये मैं आज आपको बताने वाला हूँ। क्या क्या आपको लगेगा फुल डाइट प्लान में आज आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। सो गाइस इस वीडियो में बस ये बताऊँ कि आप अपने बॉडी को मेंटेन कैसे रख सकते हो। अगर आप 70 kg की हो तो आप 70 kg पे ही कैसे रह सकते हो इस 21 दिनों में, या आप 80 kg में हो तो आप 80 kg में ही कैसे रह सकते हो। मैं ये नहीं बता रहा हूँ कि आप अगर लीन हो रहे हो तो आपको लीन का मैं बताऊंगा, अगर गेनिंग करना चाहते हो तो गेनिंग का, ये तो पॉसिबल है ही नहीं गाइस कि हम लीन और गेनिंग इस सीजन में कर सकें। इस दौरान हमें अपने से गरीबों को भी ध्यान रखना पड़ता है गाइस, हमें क्या है हमारा तो स्टॉक हम उठा के रख लिए हैं, हम वो भी यूज़ कर सकते हैं, पर गरीबों का क्या जो रोज़ कमाते हैं रोज़ खाते हैं, तो हमें उन सब का भी ध्यान देना है। ऐसा ना करके ग्रोसरी शॉप में जाके आप ही सब सामान ले लें, सबके लिए छोड़े गाइस थोड़ा थोड़ा लें, क्योंकि हम सबको चलाना है, तो सबके साथ सबका विकास गाइस। तो बने रहे हमारे साथ, मैं आपको इस वीडियो में सब बताने वाला हूँ कि आपको किस वक्त पे क्या खाना है, कैसे खाना है, जिससे आपका बॉडी मेंटेन रह सके। सो गाइस बने रहे हमारे साथ, और गाइस अगर आपको ऐसे ही वीडियो और चाहिए, और गाइस मैं आपको एक स्पेसिफिक चार्ट भी बताने वाला हूँ कि आप घर बैठे वर्कआउट कैसे कर सकते, बिकॉज जिम्स भी बंद है सब, मोस्टली क्या सभी जिम्स बंद है, पूरे वर्ल्ड में जिम बंद है गाइस, तो घर बैठे आप जिम कैसे कर सकते, क्या क्या वर्कआउट करना है, आप मुझे इंस्टाग्राम पर ज़रूर DM करें। सो गाइज ऐसे ही क्वारंटाइन का टाइम है गाइज, सब घर पे ही हैं, आओ इंस्टाग्राम पे बातें होंगी, मैं आपको सब बताऊंगा कि क्या वर्कआउट करना है, कैसे वर्कआउट करना है, मैं हो सके मैं आपको शॉर्ट वीडियो भी बना के भेज दूंगा कि क्या वर्कआउट कैसे करना है और कितने रेप कितने सब कुछ मैं बताऊंगा, तो इंस्टाग्राम पे आ जाओ सब पता चल जाएगा। सो बने रहे हमारे साथ, वी विल बी बैक। सो गाइज आज जो मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ फुल डे ऑफ ईटिंग के बारे में, मैं इसमें सिर्फ और सिर्फ फूड के बारे में बताने वाला हूँ गाइज, नो सप्लीमेंट, क्योंकि मैं जानता हूँ अगर आपका सप्लीमेंट खत्म हो चुका है तो ये एक महीना तो आपका सप्लीमेंट डिलीवर होने वाला है ही नहीं, किसी भी तरह का सप्लीमेंट। जी हाँ गाइज, मेडिसिन शॉप्स और ग्रोसरी शॉप्स छोड़ा के और बैंक छोड़ा के कुछ नहीं खुला, ऑनलाइन शॉपिंग भी सब बंद है, तो आप इस दौरान सप्लीमेंट, अगर आपका सप्लीमेंट स्टैक पहले से आया हुआ है तो आपके लिए बहुत अच्छा है गाइज, बट सबका ऐसा होता ही नहीं, तो मैं सिर्फ इसमें फूड बताने वाला हूँ क्या क्या फूड आप कंज्यूम कर सकते हैं जो घर पे भी अवेलेबल है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप स्वीट पोटैटो जाके बाहर से लाएं, मैं ये सब कुछ नहीं कहूँगा गाइज, तो चलिए देखते हैं हमारा सबसे पहला मील क्या होगा गाइज, वो है आपको 2 से 3 अंडे के साथ गाइज 4 स्लाइस ब्रेड लेने हैं आपको, ये आपका ब्रेकफास्ट होगा, जिसमें आप चाहते हैं तो 2 से 4 नट्स भी रख सकते हो, तो ये रहा हमारा ब्रेकफास्ट। इसमें आपको प्रोटीन भी मिल जाएगा गाइज, कार्ब्स मिल जाएगा और गुड फैट भी मिल जाएगा।
तो इसके बाद हम आते हैं गाइस हमारे लंच और ब्रेकफास्ट के बीच का मील में। इसमें आपको लेना है गाइस अंकुरित चने। आप जानते हो अंकुरित चने क्या होते हैं, जैसे आप पिक देख सकते हैं ऐसा होता है कुछ अंकुरित चने। आपको करना क्या गाइस, रात में एक मुट्ठी, आपका जितना बड़ा हाथ है उससे एक मुट्ठी चना को आपको पानी में फुलाना है और सुबह उठ के इसे मिड मील में आपको कंज्यूम करना है, ये भी आपके ब्रेकफास्ट के बाद और लंच से पहले। तो अब हम आ जाते हैं हमारे डायरेक्टली लंच में। लंच में हमें क्या लेना है गाइस, लंच में जो भी घर पे बनाओ, मम्मी को ये नहीं कहना कि मुझे चिकन चाहिए मुझे फिश चाहिए, वैसा कुछ नहीं है। अभी आपको भी कॉम्प्रोमाइज थोड़ा करना पड़ेगा गाइस, सिर्फ 21 दिनों की बात है गाइस, 21 दिन मैनेज कर ले। हमें सिर्फ सर्वाइव करना है, ये नहीं कि हमें नखरा नहीं करना गाइस, हमें सिर्फ सर्वाइव करना है, बस अपने बॉडी को मेंटेन रखना है। उसके बाद तो फिर 21 दिन है, फिर अपना डाइट वापस से चालू कर लेंगे, उसमें क्या है। तो घर पे जो बना है वो खा ले आप। हाँ गाइस, सोयाबीन घर पे अवेलेबल होगा, सोया चंक्स, तो आप 30 से 40 ग्राम सोया चंक्स को पानी में बॉईल करें और खाएं। उसमें ज़्यादा मिर्च मसाला ना लगाएं, 50 ग्राम के लगभग सोया चंक्स लें, उसे खाएं, उससे प्रोटीन मिल जाएगा आपको। व्हाइट राइस में कार्ब्स होता है गाइस, तो एक ठीक ठाक मील आपको वहाँ से भी मिल जाएगा। तो चलिए हम बढ़ते हैं हमारे शाम के स्नैक्स की तरफ। ये आपका लंच हो गया। शाम में स्नैक्स में आपको खाना क्या गाइस, वो आपको स्नैक्स में आपको लेना है ओट्स। ओट्स घर में अवेलेबल होता है। सो गाइज, अगर आप जिम विम करते हैं तो आपके घर में ओट्स तो हो गई गाइज जी। अगर ओट्स नहीं है तो आप दलिया भी ले सकते हैं गाइज। 50 ग्राम ओट्स लें या 50 ग्राम दलिया लें, उसके साथ एक बनाना या दो बनाना आप अपने हिसाब से ले सकते हो। ये आपका हो गया स्नैक्स। तो गाइज, प्री वर्कआउट मोस्टली मैं वर्कआउट करता हूँ गाइज शाम में 8-9 बजे के करीब। तो मेरा प्री वर्कआउट होगा आपका 7 से 8 बजे, 7 बजे के करीब मेरा प्री वर्कआउट होता है। तो 7 बजे प्री वर्कआउट में मुझे क्या लेना है, मैं अभी क्रिएटिन स्टॉप करके गाइस, क्रिएटिन मेरे घर पे है पर मैं स्टॉप करके, क्योंकि मुझे ज़्यादा वेट मेरे घर पे है नहीं, मैं ज़्यादा लिफ्ट भी नहीं कर रहा हूँ, तो क्रिएटिन को भी मैं स्टॉप कर दिया। मैं लेता हूँ 1 कप ब्लैक कॉफ़ी, उसके साथ 1 बॉइल्ड नॉर्मल पोटैटो गाइस। जी हाँ, घर में नॉर्मल पोटैटो होगा, आप उसके साथ नॉर्मल पोटैटो लें और 1 घंटे बाद अपना वर्कआउट शुरू करें। और वर्कआउट कैसे करना है मुझे इंस्टाग्राम पे जरूर आ जाए, इंस्टाग्राम पे बात करें, मैं जरूर बताऊँगा क्या वर्कआउट कैसे करना है, कितने रेप लगाने, सब बता दूंगा, पूरा हफ्ते का आपको चार्ट बता दूंगा आपके बॉडी के हिसाब से। तो ये तो हो गया गाइस। उसके बाद हमें पोस्ट वर्कआउट में प्रोटीन शेक में नहीं बोल रहा हूँ, आपको 3 से 4 एक कंज्यूम कर लें। आप ज़्यादा तो नहीं कर सकते क्योंकि 1 का भी प्राइस अभी बहुत हाई और बहुत कम अवेलेबल है मार्केट में 1, तो 1 भी सही से खाएं गाइस। ज़्यादा नहीं कि 8 से 10 एक खा लिए दूसरा दिन कुछ नहीं, ऐसा नहीं करना गाइस। हमें 4-5 एक खाने हैं जिम करने के बाद। उसके बाद आ जाता है हमारा डिनर। डिनर में जो भी बना है गाइस वो खा लें आप। डिनर में आप समझ सकते गाइस, हमें सर्वाइव करना है, हमें नखरा नहीं करना है, सर्वाइव करना है गाइस। तो डिनर में जो भी रहे खा लें। उसके बाद आ जाता है हमारा बिफोर बेड। जी हाँ गाइस, बिफोर बेड में आप गाइस 1 ग्लास दूध पी सकते हो, उसके साथ अगर आपके पास ओमेगा 3 अवेलेबल है तो आप ओमेगा 3 कंज्यूम करें और मस्त हो जाए। तो गाइस, ये था हमारा आज का वीडियो फुल डे ऑफ ईटिंग में। अगर तो गाइस, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें कि हमारे सब दोस्तों के पास ये वीडियो पहुँचे, सब अपने बॉडी को मेंटेन रख सके। कि ऐसा नहीं कि जिम में भाई तेरा तो बॉडी बहुत ही गल गया है, तू बहुत मोटा हो गया, ऐसा नहीं चाहते। हम सबको फिट रहना है गाइस, फिटनेस इंडस्ट्री में इतने दिन से इसमें हम मेहनत करें, इसे ऐसे बर्बाद जाने नहीं दे सकते गाइस। तो शेयर ज़रूर करें इस वीडियो को, और भी अगर ऐसा वीडियो चाहिए तो गाइस मुझे इंस्टाग्राम पर ज़रूर DM करें, इंस्टाग्राम पर ज़रूर आएँ, मैं उस पर आपको जो भी वीडियो चाहिए पर्टिकुलर में एक बंदे का वीडियो बनाऊंगा, ये मेरा वादा है। तो इंस्टाग्राम पे जरूर DM कर गए, और घर पर ही रहे गाइस, ज़्यादा बाहर घूमने की दरकार नहीं है, पुलिस के भी डंडे पड़ सकते हैं और कोरोना वायरस का अलग खतरा है। तो स्टे एट होम, स्टे सेफ। जय हिंद, बाय बाय।